डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। दरअसल मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में दीपक नाम के युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस पिछले 4 दिनों से सिर ढूंढने की तलाश में है, लेकिन अब तक ना तो पुलिस को दीपक का सिर मिला और ना ही पुलिस आरोपियों के पास तक पहुंच पाई है। पुलिस जांच में पता चला है कि दीपक का किसी विशेष समुदाय की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के आधार पर पुलिस ने कुछ विशेष समुदाय के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सभी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बता दें कि पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दीपक का अंतिम संस्कार बिना सिर मिले ही करा दिया। पुलिस ने बताया कि दीपक के परिजन ही चाहते हैं कि शव का अंतिम संस्कार कर लिया जाए। हालांकि पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ सिर की छानबीन के लिए कई बुलडोजर नाले में से पानी निकालने के लिए पंप लगा दिए हैं। पुलिस जांच में अब तक निकलकर सामने आया है कि दीपक के कुछ साथी पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके पर मौजूद लोकेश त्यागी ने यह जानकारी दी। क्या नाम आपका? लोकेश त्यागी। लोकेश जी, क्या कहना है इस पे? 3 दिन से सर ढूंढा जा रहा, बगैर सर के अंतिम संस्कार किया गया। हाँ जी। कितनी बड़ी इसको आप घटना मानते हैं और क्या इसकी घटना? तो आप काफी बड़ी है जी, और दर्दनाक घटना है। हाँ। और जिसने भी ये कराया जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, कार्रवाई पूरी है और प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है। इसमें कोई जो भी है ऊपर तक के आदेश है, कोई बक्सा नहीं जाएगा। पूरे कांड में आपको क्या लगता है, क्या किस पर शक है, कौन है? शक तो अभी किसी पे नहीं बता सकते बिना किसी प्रूफ के कि भाई इसमें ये यही है, अपने से निर्दोष ना फंसा जाएगा। आप उसी गांव के रहने वाले हैं? मेरा भाई लगता है, चाचा का लड़का है। तो कैसा था दीपक, किस तरीके से था वो? तो जी अपने खेती बाड़ी का सारा काम उसी पर था। दो भाई हैं ये बड़ा भाई था अक्षय, ये दुकान करता है सोनीपत। ये अच्छा, कोई ऐसा भी मामला बताया जा रहा है कोई प्रेम प्रसंग का भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखबार में लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो किसी से प्रेम था दीपक का? क्या प्रेम प्रसंग में तो अगर ऐसा आप भी लगा सकते हो इस तरह का, जो ठीक है मार दिया, बाकी वो गर्दन सर ले जाना ये सब कुछ किसी के रंजिश? कोई पुरानी रंजिश है? चुनाव ऐसा कुछ नहीं, रंजिश ना तो आजकल चुनाव के पास से किसी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई आपसी विवाद पुराना चला रहा है? अभी पुलिस ने क्या बता रही है? पुलिस से कुछ? पुलिस तो अपनी पूरी लगी हुई है जी, उसमें काफी लोग उठाए। नहीं अभी कुछ नहीं बताया, काफी लोग कार्रवाई चल रही है जी, पूरी अब यहाँ JVC बंद लगा रही है, पानी निकाल रहे हैं। क्या नाम है? इस बात की ज्यादा जानकारी इसी गांव के है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र है। क्या क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पे? यहाँ पुलिस 3 दिन से सर ढूंढ रही है, क्या कहना है? बस कहना यही है जी, उसका गर्दन अलग कर दी शरीर से, आत्मदाह उसका सर जो शरीर है वो बिना गर्दन के जनमंदिर प्रशासन ने करवा दिया। अब उसकी निकासी चल रही है पानी की, इसमें ढूंढ भाल चल रही है, देखो क्या निकलता क्या आपका नहीं। किन लोगों पर शक है भाई इस बारे में जी? क्या कह सकते हैं शक इस पर क्या है जी? फिर भी पुलिस आपकी पूरी मदद कर रही है? हाँ जी, प्रशासन लगा हुआ, पूरा प्रशासन लगा हुआ। कोई शिकायत उनसे? नहीं। सर को कहाँ कहाँ ढूंढा? सर जंगल में डेड बॉडी जहाँ पड़ी है वहाँ से लगा कर, और जो ये नाला अब यहाँ आप देख रहे हो पानी निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो पुलिस ने वो जो डॉग होते हैं उनके वे आए हुए यहाँ तक। मौके पर मौजूद अक्षय ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? अक्षय जी, क्या हुआ भैया के साथ में, क्या क्या कहना है आपका इस मामले में? वो भी हुआ, गलत हुआ है वो तो। हाँ, जांच के बाद पता लगेगा क्या है मैटर, जो भी है। कैसे पता चला, कहाँ गया था भैया, क्या किसके साथ गया था, क्या घटना हुई, कुछ पता नहीं लग रहा है अभी। हाँ। लास्ट में पता लगेगा जब केस चल जाएगा सारा। ये यहाँ पर क्या उसके क्या क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ नदी में? क्या यहाँ पर जो है उसका सिर नहीं मिला बॉडी के साथ में, तो उसकी खोजबीन चल रही है। अच्छा, जो आपने अंतिम संस्कार किया वो बगैर सिर के किया था? ठीक है।
अभी तक कुछ पता चला क्या मामला रहा है, किन लोगों से रंजिश थी उसकी या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश, किसी पर शक है? आपने क्या तहरीर दी थाने में? हथियारे कौन है? कुछ कोई नहीं, अभी कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, जो फोन वगैरह से किसी ने कॉल करके बुलाया था या फिर कहाँ गया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? परिवार कुछ बता कर नहीं गया? जंगल के लिए निकला था वो। क्या करता है बेटा वो? खेती बाड़ी का काम देखता है वो। सारा उसी के ऊपर है जी, खेती का काम, ये दुकान करता है। तो अभी अच्छा ये बता रहे हैं कि यहाँ के कुछ लड़कों ने बुलाया, उनसे रंजिश थी कुछ इस टाइप का? नहीं, वो तो केस खुलने के बाद पता लगेगा जो भी है। हाँ। कितने दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं उसके सर को? तीसरा दिन होगा। मौके पर मौजूद गुल्लन सिंह ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? गुल्लन सिंह। गुल्लन सिंह जी, नाले के अंदर से पानी क्यों निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सर पानी इसलिए निकाल रहे हैं कि पुलिस विभाग ने लगा रखा है कि सर इसके अंदर हो सकता है शक के तौर पे, कि सर इसके अंदर है क्या, पानी खाली कर रहे हैं। तो कितना समय लगेगा इसको पूरा खाली करने? सर इसको कम से कम रात के 12 बज जाएगा सर। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ से निकालेंगे, कब से लगे हैं आप यहाँ पर? सर इसमें कार्य चल रहा है 4 दिन से। अच्छा, पहले जाल डाले थे, पहले आदमी बाड़े थे ढूंढने के लिए, 10-12 आदमी पैरों से हाथों से जाल डाले, गगरिया जाल डाले, उसके बाद इंजन लगाए हैं, 4 दिन से कार्य बराबर चल रहा है। तो सर मिला इसके अंदर? नहीं मिला सर, अभी कुछ नहीं मिला, अभी कोई सफलता नहीं मिली। तो आपको किस जगह पे शक है कि यहाँ हो सकता है? सर हमें कोई शक नहीं, हम तो केवल मजदूर हैं, पानी खाली कर रहे हैं। इसकी छुपा नहीं, पुलिस की भवानी बाग से। SP देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। सर दीपक का शव मिला था जिसका सर नहीं था, 4 दिन हो गए सर नहीं मिला है, अभी तक क्या देर? थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के ग्राम खजूरी में एक व्यक्ति दीपक उर्फ अमन त्यागी का शव मिला था। उसमें परिजनों के द्वारा अज्ञात में तहरीर दी गई थी, तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें इस व्यक्ति के जितने भी लोगों के साथ रंजिश हैं, मार पिटाई पूर्व में हुई है, उन सभी से एक एक करके गहनता से पूछताछ की जा रही है और सभी लोगों को बुलाकर इसमें अभी पूछताछ की जा रही है और शीघ्र घटना का अवलोकन किया जाएगा। सर जब कोई एंगल पता चला, कोई रंजिश थी, कोई इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला और अभी सर की क्या पूछताछ? देखिए इसमें जो हेड के लिए है, हमने सर्च ऑपरेशन के लिए टीमें लगा रखी हैं, डॉग स्क्वाड भी लगा था जो कि घटनास्थल से 500-700 मीटर की दूरी तक आया था। उसके अलावा रोज टीम लगा के सर्च किया जा रहा है आसपास के इलाकों में। और एंगल्स की बात जहाँ तक है, उसमें यह है कि पूर्व में जैसे जो मृतक है इसके ऊपर 2 मुकदमे भी हैं और इसके अलावा भी कई लोगों से मारपीट हुई है या रंजिशें भी हैं, पैसों की भी रंजिश है। तो उन सभी एंगलों पे जो भी संबंधित लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। सर सर की तलाश के लिए और कादिर की तलाश के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरीके से तलाश किया जा रहा है? देखिए जैसे मैंने बताया, सर की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड हमने लगाया था। डॉग स्क्वाड जो था, डॉग जो था वो घटनास्थल से 500-700 मीटर की दूरी तक आया था। आसपास के एरिया को हम रोज़ पुलिस फोर्स लगा के सर्च करवा रहे हैं। इसमें गांव के लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बगल में एक नाला भी है, नाले में भी 1-2 दिन पहले लगातार सर्च ऑपरेशन 10-15 लोगों को अंदर भेज के सर्च करवाया गया, उसमें पानी बंद करवा के भी सर्च करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के अगल बगल का जितना भी क्षेत्र है उसमें सर्च करवाया जा रहा है लगातार। देखिए ये वन ऑफ दी एंगल्स हैं, मतलब एक एंगल है, इसके अलावा भी तमाम एंगल हैं क्योंकि जो मृतक है इसकी गांव के कई लोगों से लगातार मारपीट होती रही है और इसके कुछ दोस्त भी रहे हैं जिनके साथ इनका कुछ पैसों का भी विवाद जो है वो निकल के आ रहा है। तो इन सभी एंगलों पे हम केवल एक एंगल नहीं एम्फसाइज कर सकते हैं, सभी एंगलों पे पुलिस गहनता से जाँच कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल घर वालों ने अपनी स्वेच्छा के साथ अंतिम संस्कार करवाया। कातिल के कितना करीब पहुंच गए? देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जितने भी एंगल हैं और जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut.